हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मायसेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, बात करेंगे हिंदुस्तानियों का सेविंग करने का तरीका बेहतरीन है और पूरी दुनिया में मुझे हिंदुस्तानियों का जो तरीका है सेविंग करने का वो सबसे बेहतर लगता है, बेस्ट नज़र आता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हिंदुस्तानियों को सेविंग करने का तरीका बेहद अलग है। दुकान खरीदना, ज़मीन जायदाद खरीदना, मकान खरीदना, कंस्ट्रक्शन कराना, किराए पे पैसे कमाना, मकान को किराए पे चढ़ाने के बाद इस तरह के सेविंग्स या पोस्ट ऑफिस में आरडी कराना, इंश्योरेंस कराना, वो लोग इन्वेस्टर की जैसे शेयर मार्केट में ध्यान नहीं देते और मल्टीपल रिटर्न नहीं कमाते, जो कि फॉरेन में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके और अदर मार्केट जैसे मान लीजिए करेंसी का जो मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट करके मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जो हम हिंदुस्तानियों का तरीका है ना सेविंग करने का, वो यही बेटर है। क्यों? इससे हमेशा हमारी जो बैकबोन है वो मजबूत रहती है। कोरोना में देख लीजिए, मार्केट धड़ाम से क्रैश हुआ तो जिसका जितना पैसा था उससे बहुत डाउनफॉल पे आ गया। किसी का 40% तक पैसा कम हो गया, किसी का 60% कम हो गया, किसी का 50% कम हो गया, लेकिन हम लोगों का जो सेविंग मोड था वो एक्चुअल में 100% रहा, क्योंकि हमारी सेविंग्स कुछ अलग तरह की भी होती है शेयर्स मार्केट को हटा करके। हमारे पास 100% पैसा रहा, उसके ऊपर जो ब्याज था उस ब्याज का भी जो ब्याज बना वो भी हमारे पास था, और हमने हमारे उन दिनों में अगर किसी तरह की कोई नीड पड़ी, अगर हमारे बिजनेस में जितना इफेक्ट आया, लॉसेज हमें हुए, तो हमने कवर अप किया। हमने उसी बैकबोन के सहारे से साल भर, 1.5 साल, 2 साल, कई लोगों ने तो काफ़ी टाइम तक सेक्रीफाइस किया और अपनी उसी सेविंग के दम पे। अगर वो शेयर मार्केट जैसे या फॉरेन मार्केट यानी कि फॉरेन करेंसी जैसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते तो लॉस हो जाता, उनका इन्वेस्टमेंट आधा हो जाता या 1/4 हो जाता या 30% हो जाता, तो फिर उनको और सफ़र करना पड़ता, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था इतना कि वो फिर वापस से जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा वो वापस से जिस प्रिंसिपल अमाउंट में इन्वेस्ट किया वो उससे डूबना हो जाए, तिगना हो जाए, चौगना हो जाए, या वापस से वही मार्केट में हरियाली छा जाए, वापस से आपका इन्वेस्टमेंट करा हुआ पैसा आपको बहुत अच्छा मल्टीपल रिटर्न बना करके दे, क्योंकि हमें तो पैसा उसी वक्त चाहिए था या फिर उन लोगों को पैसा उसी वक्त चाहिए था जब उनको वो नीड थी। तो तरीका यही सही है कि हमारे बच्चों को बैंक में आरडीज या पोस्ट ऑफिस में आरडीज या इंश्योरेंस या मकान बनाना, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना, ये बेटर मोड है। मैं इसको आज ही बेटर मोड मानता हूँ, चाहे भले ही पैसा धीरे धीरे बढ़ा लेकिन हमारी बैकबोन मजबूत होती है और उसी के दम पे फिर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। किसी तरह का लॉस भी होता है तो हमारे में दम कम रहता है, हमारे में बैकबोन रहती है, हमारी मजबूती रहती है, हमारी बैक स्ट्रीट रहती है उसको कवर अप करने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए, उससे होने लॉस को सहन करके फिर वापस एक नए मुकाम पर आगे बढ़ने के लिए। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो हम बच्चों को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सिखाते हैं उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करने की जगह जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और फॉरेन करेंसीज़ के मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या उसके अलावा भी मान लीजिए कोई और तरह की सेविंग्स नहीं करते, लेकिन वो मोबाइल खरीद लेते हैं, नौकरी लगती नहीं उसमें मोबाइल खरीद लेते हैं, मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं 2-3 लाख रुपए की, कहने का मतलब है कि किस्त बांध लेते हैं, तो वो ज़रूर एक थोड़ा सा लगता है कि भाई हमें थोड़ा सा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए किस्त बनानी चाहिए। लेकिन जो और मोड है जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए मोबाइल 40,000 का है, फिर तनख्वाह बढ़ी तो हमने 80,000 का कर लिया या 1 लाख का कर लिया या दिखावे के लिए कर लिया, यूज़ नहीं है, यूज़ के हिसाब से हमें ज़रूर मॉडिफिकेशन करना चाहिए, चीज़ को ख़रीदना चाहिए यूटिलाइज लेने के लिए, नया जो भी मोड ऑफ चेंजेस के साथ में कोई नई चीज़ आई है टेक्निकली उसको फॉलो करनी चाहिए, उसको लेनी चाहिए, उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको नहीं करनी चाहिए। हमारे भारतीय संदर्भ में यही है कि कई ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी मैं जानता हूँ जो करोड़ों रुपए के मालिक हैं लेकिन एक सिंपल सा बटन वाला फ़ोन लेकर के ही आज भी अपना काम चलाते हैं, क्योंकि उनको उस बटन वाले फ़ोन के अलावा और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर वो और चीज़ से अपना काम नहीं करते, जिस तरीके से वो काम करते आ रहे उसी तरह से कर रहे हैं, या फिर उनकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास एक अच्छे बैकअप वाले मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह जिसके थ्रू वो उनके ही साथ मिलकर के काम कर लेते हैं और अपना पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। अगर इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 50 लाख की गाड़ी में घूमे, 5 लाख की गाड़ी में घूम करके आराम से अपने डेस्टिनेशन पहुँचते हैं और आराम से अपने आप को ईजी फील कराते हैं, और बल्कि बिजनेस बढ़ाने में या नौकरी देने में बल्कि लोगों का परिवार चलाने में विश्वास करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मुद्दा था छोटा सा सिंपल सा जो मेरे मन की बात थी मैंने आपको कही कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका शुरुआत से कि हम मकान बनाते हैं, दुकान खरीदते हैं, बिजनेस करने की सोचते हैं, यही और पोस्ट ऑफिस में आरडीज कराते हैं, एलआईसीज कराते हैं, यही बेटर मोड है।
उसके बाद में हम शेयर मार्केट के बारे में सोचें, क्योंकि बैकबोन पहले होनी ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी डाउनफॉल भी आता है, कभी अपवर्ड भी आता है, कभी कुछ भी हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये एक बैकबोन स्थिति होती, मजबूत स्थिति होती प्रॉपर्टीज़ वगैरह में पैसा लगा करके अपने आप को मजबूत और दृढ़ स्थिति में लाने का। तो मुझे ये ठीक लगता है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पहले है, पहले हम उसी को बैकअप लें और उसके बाद में शेयर मार्केट जैसे में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। तो फ्रेंड्स बन रही है मेरे साथ मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि इस तरह के आइडियाज़ मैं आपको हमेशा देता रहूँ, या मुझे जो भी ठीक लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ उसे बताता रहूँ वीडियोज़ के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।